कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आम लोगों को तो कई तरह की मदद मुहैया कराई, लेकिन पलामू के जपला इलाके में रहने वाले महिला डांसरों को सरकारी मदद का अभी भी इंतजार है। 70 घर की आबादी वाले ये परिवार स्टेज शो कव्वाली कर अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन लॉकडाउन में शादियां रुक गई तो महिला डांसरों के रोजगार के साधन खत्म हो गए। इससे महिला डांसरों के परिवार और बाल बच्चे के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना के संकट काल में ये परिवार नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद इन परिवारों को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल रही और न ही कोई सामाजिक संगठन के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। महिला डांसर गुड़िया का कहना है कि अभी तक कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि घर का सामान बेचकर अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं। ऐसा है सर कि हम लोग के राशन कार्ड नहीं है और ना कोई देता है हम लोग के, और हम लोग के बच्चे लोग खेला बाहर एकदम अथी हो जा रहे हैं, पढ़ने लिखने में थोड़ा भविष्य के लिए भी खराब हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे। महिला कलाकारों ने बताया कि उनके मोहल्ले में गंदा पानी आता है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है, भरा हुआ है सर, घर में घुस जाता है पानी, रहता है तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाता है। रहना मुड़ना बाहर हम लोग निकल के रहते हैं, पानी उपजते हैं, बाले बच्चा मिल के सब कोई उपजते हैं, कहने जाते हैं तो आके थोड़ा सा काम करवा देते हैं, उसके बाद फिर मटिया देते हैं, फिर भर जाता है। बरसात हो चाहे गर्मी, हम लोग को सालों भर पानी गली में भरा। कोरोना से पहले तो हम लोग नाली के कीड़ा से मर जाएंगे, बहुत गली भरा हुआ रहता है, घर में भी घुस जाता है, पढ़ने लिखने में लड़कन लोग सब गिर जाता है। दूसरे महिला कलाकारों ने भी बताया कि लॉकडाउन में उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वे परिवार बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। सब खत्म हो गया है, हम लोग जो कार्यक्रम करते थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। हम लोग उसी कार्यक्रम करके खाते जीते थे और हम लोग का सब कार्यक्रम का सब स्थिति सब खत्म हो चुका है। हम लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई मदद नहीं है। अभी कोई प्रशासनिक मदद मिला आप नहीं, लोगों कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं दिए हम लोग थोड़ा बहुत रखे थे, गाना है गुड़िया है तो बंद की रखे, तो ऐसे करके उलट फेर करके हम लोग खा जी रहे हैं। हम लोग वही कार्यक्रम करते थे तो अपने बाल को बच्चे को घर के परिवार को हम लोग परवरिश करते थे। हम लोग का अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ लगभग होंगे 60-70 घरों में, किसी को कोई मदद नहीं मिला, नहीं कोई मदद। सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहेंगे, हम लोग भी एक सरकार के अध्यक्ष हैं, हम लोग के भी देखें वोटर, हम लोग भी वोट देने जाते हैं सब कोई का, लेकिन हम लोग का थोड़ी कोई सुनवाई करता। महिला कलाकार अपने मोहल्ले की गली को साफ करने की गुहार प्रशासन से लगाई है। जैसे बोली वैसे निपट रहे हैं, दुख सुख कट रहे हैं, आप क्या बोले, सब तो स्थिति देख भी कर रहे हैं, कोरोना आने से सबका स्थिति खराब हो गया है, जीने खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो भी अपना थोड़ा मोड़ा था उसी को लेकर गाना गीटों बंद रह कर जो भी हम लोग का लगा हुआ वही छोड़ कर चला गया, यही में है हम लोग का कट रहा है जिंदगी, और क्या बोले। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी नज़र दे के सहारा बन के थोड़ा ध्यान दे, लल्ली गली को वही स्थिति है, जीना खाना तो है, कोरोना से पहले लल्ली गली से हम लोग के तंग आ गए हैं, कोरोना क्या मारेगा, लल्ली गली हम लोग को मार देगा, कोई किसी का हम लोग को ध्यान नहीं। वहीं इसी मोहल्ले में रहने वाले कव्वाल शमीम अहमद ने बताया कि वे सब संकट में हैं। शमीम ने कहा कि प्रशासन को मदद के लिए आगे आना चाहिए। यहाँ के कलाकार सर ये कोरोना में बिल्कुल समझिए कि एकदम बहुत बुरे हाल में है, इसलिए कि यहाँ के कलाकारों की बिजनेस जो भी है वो प्रोग्राम ही है, लगन में लोग प्रोग्राम करते हैं, उसी से अपने बाल बच्चों का जीविका जीवन चलाती हैं, उसी में दो पैसा बचा के घर मकान बना ले, बच्चों को पढ़ाना भी है, चूँकि अभी जो है बच्चों के तरफ जो है इनकी रुचि अच्छी है, सब अच्छे अच्छे बच्चों को तालीम देना चाह रही हैं, क्योंकि ये नर की दुनिया से अलग होना चाहती हैं, लेकिन इनके पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, न इनके पास कोई खेती है न बिती है, कुछ भी नहीं है, बस यही है, फुल सीजन है, ये लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने ही से ये लोग के अपना चलता है। अब तो आप समझिए कि बल्कि यहाँ इलेक्शन के माहौल में लोग कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारा नाम हुआ शमीम कव्वाल, तो लोग मिलते हैं तो हम लोगों से थोड़ा प्रयास कराते हैं इलेक्शन के मौके पर, तो लोग बल्कि कहती हैं कि आप बोलते हैं कि उसको वोट दे दीजिए तो उसको दे दीजिए, देने के बाद में हम लोग को मिलता है कुछ भी नहीं है। आज ये महामारी का मार है, ये महामारी में कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, इतना तक जो हम लोग का कार्यक्रम पहले का ये लगन के लिए बुक था
वो भी एडवांस सब लोगों ने वापस कर दिया। अपनी कला से लोगों का दिल बहलाने वाली महिला कलाकारों के दिल दर्द से भरे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। प्रशासन को आगे बढ़कर महिला कलाकारों को हर मुमकिन मदद करनी चाहिए ताकि उनके परिवारों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पलामू से प्रभुदयाल तिवारी की रिपोर्ट।